हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, दो वेक्टर अपने पास दिए हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट अपन कैसे निकालेंगे। 11th क्लास में तुमने पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिजिक्स में पूरा डॉट प्रोडक्ट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, वही सब चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे, है ना। एंगल निकालने वाला पार्ट जो तुम्हें थोड़ा सा नया लगेगा। ठीक है, बाकी मैक्सिमम चीजें जो आज पढ़ने वाले हैं वो काफी कुछ तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, बट आई एम कवरिंग फ्रॉम बेसिक। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट को अपन स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं ना, वी कैन से स्केलर प्रोडक्ट ऑल्सो। ठीक है, सो व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट? नोटेशन क्या है? ए डॉट बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू वी से, इट्स ए मल्टीप्लीकेशन, है ना। वी कॉल इट स्केलर मल्टीप्लीकेशन, है ना, दो वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ए डॉट बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू आता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, वेर थीटा इज, है ना, वेर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। दिस थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच में अपन ऐसे एंगल को ऐसे नोटेशन करते हैं, ए और बी के बीच का एंगल क्या है? थीटा। ठीक है, तो ए डॉट बी अपन ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, जानते हैं अपन ये चीज। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। फर्स्ट अपन बोलते हैं ये कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी को अपन बी डॉट ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, क्योंकि वो भी क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा ही आने वाला है। सेकेंड, एसोसिएटिव होता है ये, ए डॉट बी प्लस सी को अपन ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, थर्ड अपन ने बात करी कि ए डॉट के टाइम्स बी, है ना, के इज सम स्केलर, के यहां पे क्या है, स्केलर नंबर है, तो इसको के को अपन बाहर ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं के टाइम्स ए डॉट बी, क्योंकि ये क्या कर रहा होगा, के बी ये इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा होगा के टाइम्स, और ये अब भी के टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा है, तो बाहर के लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है, है ना। इफ ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, देन क्या क्या हो सकता है, या तो क्या होगा, फर्स्ट मोड ऑफ ए इक्वल टू जीरो, राइट, या क्या होगा मोड ऑफ बी इक्वल टू जीरो, या क्या होगा ए इज परपेंडिकुलर टू बी, इन तीनों में से कोई केस हो रहा होगा। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटी यहां पे बनती है, हमेशा अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इफ इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, क्या यहां पे अपन ए ए दोनों तरफ कैंसिल करके बी इक्वल टू सी लिख सकते हैं क्या, है ना, क्या यहां पे ए ए कैंसिल करके बी डॉट बी इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं क्या, सही है क्या वो चीज, है ना, वो चीज गलत है। ठीक है, अपन डायरेक्टली ऐसा काम नहीं कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यहां पे अपन इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, अपन ने बोला कि इसको इधर ले आओ, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू जीरो, ए बाहर ले लो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, ये लिख लो। अब तुम रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हो, क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, या तो क्या होगा, या ए जीरो हो रहा होगा, या क्या हो रहा होगा, या बी माइनस सी जीरो हो रहा होगा, है ना, ये दोनों वेक्टर इक्वल हो रहे होंगे, या फिर क्या होगा, ए इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी, ये तीन पॉसिबिलिटी यहां पे बनती है। ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात, वेक्टर इक्वेशन में ऐसा यदि गिवन है तो ये तीन पॉसिबिलिटी अपने पास बनती है, दिस और दिस और दिस, है ना, ये तीन रूट्स हैं एक तरीके से, ये तीन तरीके से ये काम हो सकता है।
ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ए प्लस बी ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ ए का स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं ए डॉट ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफी जगह अपन यूज करते हैं इसका, है ना। मोड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं ए डॉट ए, या अपन इसको डायरेक्टली ए स्क्वायर बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी काफी यूजफुल है। तो ये अपन बोल सकते हैं कि मोड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए डॉट ए, या अपन को यदि मान लो निकालना है ए प्लस बी का मोड, तो अपन ने क्या बोला ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी क्या होगा, ए डॉट ए, ए डॉट बी, बी डॉट ए, बी डॉट बी। तो ए डॉट ए हो जाएगा ए स्क्वायर, बी डॉट बी हो जाएगा बी स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम होंगे एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव लॉ से। तो अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए डॉट ए इज ए स्क्वायर, बी डॉट बी इज बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए डॉट बी, बिकॉज ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए, ठीक है। तो यहां पे अपन ने बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए डॉट बी को अपन क्या लिख सकते हैं, टू इंटू मोड ए मोड बी कोस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन देम। यही इसका फॉर्मूला आता है रिजल्टेंट का, है ना, ए प्लस बी के मोड का रिजल्टेंट का फॉर्मूला यही आता है ना, बोलो इसका अंडर रूट। तो ये काफी आसान है ना, चीजों को यहां से सोचना काफी आसान होगा। जैसे ही सिमिलरली ए माइनस बी का मोड क्या हो जाएगा बच्चों, ए माइनस बी का मोड हो जाएगा मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा अब माइनस टू ए बी कोस ऑफ थीटा, ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, एंगल बिटवीन देम, है ना, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। तो यदि अपने को डॉट प्रोडक्ट पता है तो एंगल निकाल सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो अपन ने बोला कि अपने को पता है कि कोस थीटा किसके बराबर आएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू, कोस थीटा इक्वल टू अपन बोल सकते हैं कि ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी, क्योंकि ए डॉट बी होता है ए बी कोस थीटा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कोस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी, वेयर दिस थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। देखो कोस इनवर्स जो होता है, कोस इनवर्स की रेंज होती है जीरो टू पाई, और अपन ने जो एंगल डिफाइन किया है दो वेक्टर के बीच में वो भी डिफाइन किया है जीरो टू पाई, तो इसका मतलब ये सारी वैल्यूज दे देगा। तो यहां से अपन एक बात बोल सकते हैं कि ए डॉट बी पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी पॉजिटिव का मतलब एंगल क्या है, एक्यूट है ना, थीटा क्या है जीरो टे, जीरो से लेके पाई बाई टू के बीच में, और ए डॉट बी यदि नेगेटिव है इस बात का मतलब क्या है, थीटा इज ऑब्ट्यूस, मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या है ऑब्ट्यूस है। और इफ ए डॉट बी इज जीरो दिस इंप्लाइज थीटा इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर हो सकता है सेकंड, और क्या इंप्लाई कर सकता है, ए जीरो हो सकता है, ये ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, या क्या हो सकता है बी जीरो हो सकता है, ये तीन पॉसिबिलिटी बनती है इफ ए डॉट बी इक्वल टू जीरो पे, तीन पॉसिबिलिटी बनती है ये। एंगल पे भी कमेंट डायरेक्टली नहीं कर सकते अपन, एंगल पे कमेंट कब कर पाएंगे इफ, है ना, ये फॉर श्योर होगा व्हेन मोड ए एंड मोड बी आर नॉन जीरो, तभी ये फर्स्ट स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ अकेला ट्रू होगा, ठीक है। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मान लो अपने को दो वेक्टर दिए हुए, वेक्टर ए दिया हुआ लेट से ए वन आई के प्लस ए टू जे के प्लस ए थ्री के कैप, बी वेक्टर दिया हुआ है मान लो बी वन आई के प्लस बी टू जे के प्लस बी थ्री के कैप, है ना, दो वेक्टर ले लिए अपन ने अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अपन ने बोला कि ए डॉट बी अपन कैसे डिफाइन करेंगे, ए डॉट बी
ऑलरेडी अपन देख चुके हैं ये चीज, अपन को पता है कि जैसे ही ए डॉट बी करेंगे तो क्या होगा, ए वन आई कैप डॉट बी वन आई कैप होगा, तो वो तो आएगा ए वन बी वन, ठीक। फिर आएगा ए वन आई कैप डॉट बी टू जे कैप, तो आई कैप डॉट जे कैप, अपने को पता है आई कैप डॉट आई कैप दोनों पैरेलल है, वन आएगा, बट आई कैप डॉट जे कैप विल बी जीरो। सिमिलरली आई डॉट आई कैप डॉट के कैप विल ऑल्सो बी जीरो, ये दोनों ये सब तो जीरो आएंगे, है ना। आई कैप डॉट के कैप जीरो क्यों होगा, दोनों के आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो ए वन आई कैप का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, बाकी दोनों के साथ जीरो, फिर ए टू जे कैप का बी टू जे कैप के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, बाकी सब क्या होगा जीरो, फिर ए थ्री के कैप का बी थ्री के कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बी ए थ्री बी थ्री। इस तरीके से ए डॉट बी निकलता है ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। इसका यूज क्या, देखो थीटा अपन अब एंगल निकाल सकते हैं ए और बी के बीच में, तो थीटा यहां पे क्या होगा, ए डॉट बी अपन जानते हैं ए डॉट बी अपॉन, है ना, थीटा इक्वल टू क्या है, कोस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी। ए डॉट बी हियर इज ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री अपॉन मोड ए इज अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर अंडर रूट ऑफ बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर। इसका मतलब अपने को यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर इस फॉर्म में गिवन है तो उनके बीच में अपन एंगल बहुत आराम से निकाल सकते हैं, है ना। इसको लिख देते हैं कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा विल बी दिस, सो थीटा अपन आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो अपन ने निकाल लिया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी, ठीक है। ऐसे सिमिलरली ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा, ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए डॉट बी। सिमिलरली अपन ने बोला कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट, ये क्या आ गया, देखो बच्चों ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी, फिर बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी, तो ए डॉट बी माइनस के साथ है, बी डॉट ए प्लस के साथ है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा यहां पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अपन ने बोला कि ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, या ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होगा, इसी का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, है ना, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। इसको अपन करते हैं तो क्या आएगा, यहां पे देखो आने वाला है ए डॉट ए ए डॉट बी ए डॉट सी, बी डॉट ए बी डॉट बी बी डॉट सी, सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी। तो इसको देखेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए दोनों क्या होंगे, सेम कॉम्यूटेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ए डॉट बी। तो अपन ने बोला कि क्या आ रहा है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो आएगा ही, प्लस टू टाइम्स ए डॉट बी, या इसको लिख सकते हैं टू टाइम्स सिग्मा ए डॉट बी, इस टाइप की टर्म आएगी, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है। तो ये अपने पास क्या थी, बेसिक डेफिनेशंस थी, है ना। फिर अपन ने बोला ए डॉट बी मैक्सिमम कब होगा, ए डॉट बी मैक्सिमम कब होगा फॉर गिवन मैग्नीट्यूड, ए और बी का यहां पे क्या है, मैग्नीट्यूड गिवन है अपने को, तो ए डॉट बी मैक्सिमम कब होगा, अपन ने बोला कि ए और बी के बीच में जब एंगल क्या होगा, जीरो डिग्री होगा, तब ये क्या होंगे, मैक्सिमम will be equal to AB. Similarly अपन ने बोला A dot B minimum क्या हो सकता है, माइनस AB हो सकता है, यहां पे theta equal to zero degree, यहां पे theta equal to pi radian या zero radian, ठीक है। ऐसे अपन ने बोला कि A dot B का mod maximum कब होगा, that is equal to AB, either theta equal to zero or theta equal to pi, और इसको अपन बोल सकते हैं ये क्या है, like vectors, इनको क्या बोलते हैं, लाइक वेक्टर्स, थीटा जीरो, इसको क्या बोलते हैं, अनलाइक वेक्टर्स, जीरो पाई पैरेलल वेक्टर्स, है ना, लाइक अनलाइक दोनों,
पैरेलल वेक्टर्स या कोप्लेनर वेक्टर्स, सॉरी कोलिनियर वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स या कोलिनियर वेक्टर्स। ऐसे ही ए डॉट बी मिनिमम कब होगा, ए डॉट बी की मिनिमम वैल्यू होती है जीरो व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू विथ गिवन ए बी। ठीक है, तो सिंपल सिंपल बातें हैं, इन पे बेस्ड हम प्रॉब्लम लिखते हैं। ठीक है, सो कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं बेस्ड ऑन द थ्योरी, शुरू करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर वन, इफ मोड ऑफ ए इज इक्वल टू टू, मोड ऑफ बी इज इक्वल टू थ्री एंड मोड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू फोर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। काफी सिंपल सी प्रॉब्लम है, कैसे करेंगे अपन? मोड ए दिया हुआ है, मोड बी दिया हुआ है, मोड ऑफ ए प्लस बी भी दिया हुआ है। सो हियर वी हैव मोड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, है ना, बोल सकते हैं अपन। तो अपन ने बोला कि ये क्या आएगा अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी कॉस ऑफ थीटा, वेर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, वही निकालना है अपने को। तो यहां से ए डॉट बी निकाला जा सकता है, अल्टीमेटली अपन इसको ए डॉट बी भी लिख सकते थे, राइट। ए प्लस बी का स्क्वायर विल बी 16, ए स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 4 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी। तो यहां से देखो ए डॉट बी क्या आ गया, ए डॉट बी इज इक्वल टू आ गया अपने पास 3/2। ठीक है, सो थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, कोस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी, ए डॉट बी इज 3/2 मोड ए 2 मोड बी 3, तो कोस इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा आंसर 1/4। ठीक है, बात काफी सिंपल है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं, मोड ए दिया हुआ है अपने को, मोड ए इज इक्वल टू 2, मोड बी इज इक्वल टू 1, मोड सी इज इक्वल टू 3 एंड ए बी सी आर इंक्लाइंड एट, ए बी सी आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री विथ एच अदर। ठीक है, फर्स्ट देन फाइंड मोड ऑफ, देन फाइंड मोड ऑफ ए प्लस 2b प्लस 3b फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सेकेंड फाइंड मोड ऑफ 2a प्लस 3b। ठीक है, थर्ड फाइंड एंगल बिटवीन a + b and a + 2b + 2c, इन दोनों के बीच में वेक्टर के बीच में क्या निकालना है अपने को, एंगल। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करते हैं अपन, कैसे करेंगे देखो, अटेम्प्ट करो एक बार, सिंपल सी प्रॉब्लम है, विद इन मिनट बन जाएगी। तो सबसे पहले अपन इस मोड की बात करते हैं, इस मोड की बात करेंगे तो अपन को पता है कि मोड ए प्लस 2b प्लस 3c का मोड क्या होगा, इसके मोड का स्क्वायर होगा क्या, ए स्क्वायर प्लस 2b डॉट 2b, है ना, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, है ना, इसका डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ यदि करेंगे तो क्या मिलने वाला है अपने को, ए स्क्वायर मोड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2b डॉट 2b मतलब 4b स्क्वायर
प्लस थ्री सी डॉट थ्री सी मतलब हो जाएगा 9c स्क्वायर, उसके साथ साथ 2 टाइम्स a डॉट b तो हो जाएगा 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी तो 6 टाइम्स बी डॉट सी प्लस 3 टाइम्स ए डॉट सी, ये मिलने वाला है बोलो। तो अपने पास क्या आ गया, देखो यहां पे अपने पास क्या मिल गया, मोड ऑफ a का स्क्वायर इज 4 प्लस बी स्क्वायर इज 1 तो 4 प्लस सी स्क्वायर इज 3 27 प्लस 2 टाइम्स 2 ए डॉट बी, इसको देखते हैं 2 इंटू ए डॉट बी हो जाएगा यहां पे 2 और उनके बीच में एंगल क्या है 60 डिग्री है ना, ईच आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, इस तरीके से है ना 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है सारे, ठीक है। तो 2 इंटू ए डॉट बी, ए डॉट बी हो जाएगा मोड ए मोड बी, 2 इंटू मोड ए मोड बी इज 2 इंटू कोस ऑफ 60 डिग्री विच इज 1/2 प्लस 6 टाइम्स बी डॉट सी, बी डॉट सी का मतलब हो गया 3 इंटू 1/2 प्लस 3 टाइम्स ए डॉट सी, ए डॉट सी मतलब 6 इंटू 1/2, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या आ रहा है, 35 प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 2 प्लस 9 प्लस 9, ठीक है, समझ आ रही है क्या बात, काफी आसान है, कैलकुलेशन कर लो। तो ये क्या आ रहा है अपने पास, ए मोड ए प्लस मोड ऑफ ए प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर आ रहा है, तो इसका अपने को क्या लेना पड़ेगा लास्ट में, अंडर रूट, ये हो जाएगा 40 35 75। तो अपने पास क्या आ गया, इसका मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 75, तो इसका मोड क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 75। क्लियर है पॉइंट, तो काफी सिंपल है चीजें, और ये इसका एप्लीकेशन है ना, डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है ये, इसका मोड निकालना, फर्स्ट पार्ट था ये, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है देखो, मोड ऑफ 2a प्लस 3b, तो ये भी बहुत आसान है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2a प्लस 3b डॉट 2a प्लस 3b विच कैन बी रिटन एज 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, है ना, b डॉट b इज b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 12 इंटू ए डॉट बी, ठीक है। तो 4a स्क्वायर तो हो जाएगा 16 प्लस 9b स्क्वायर 9 प्लस 12 इंटू ए डॉट बी, ए डॉट बी हो जाएगा अपने पास 2 इंटू 1/2, तो ये क्या आ गया 25 37 आ गया, क्या बोलो, है ना। तो दिस का मोड इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 37। थर्ड, फाइंड एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए प्लस 2b प्लस 3c, तो अपन क्या, अपन को क्या करना है देखो बच्चों, ए प्लस बी एंड ए प्लस 2b प्लस 2c के बीच में निकालना है एंगल, ठीक है। तो अपन ने बोला कि थीटा विल बी व्हाट, कोस इनवर्स ऑफ ए प्लस बी का मॉड किसके साथ, ए प्लस 2b प्लस 2c के साथ, अपॉन, है ना, अपॉन कोस इनवर्स में ही, अपॉन मोड ऑफ ए प्लस बी इंटू मोड ऑफ ए प्लस 2b प्लस 3c, ठीक है।
जब अपन वो फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उस केस में ए डॉट बी मतलब आई डॉट जे, जे डॉट के, ये सब क्या आ जाता है, जीरो। इसलिए अपन अपने पास फॉर्मूला क्या बचता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो डायरेक्टली अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं लगाते, समझ में आ रही है ना बात, डायरेक्टली नहीं निकाल लगा पाएंगे अपन। तो यहां पे देखो क्या अपने पास 2 1 3 है ना, यही है, मोड ए 2 है, मोड बी 1 है, मोड सी क्या है 3। तो ए प्लस बी डॉट ये करना पड़ेगा अपने को। सबसे पहले बात करते हैं ए डॉट ए, ए डॉट ए विल बी 4 प्लस, है ना, ए डॉट ए क्या होगा, मोड ए स्क्वायर 2 ए डॉट बी, तो 2 इंटू ए डॉट बी, ए डॉट बी कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 1/2, तो ये आंसर आएगा 2 प्लस ए डॉट 2 सी, ए डॉट 2 सी कितना होगा 2 इंटू ए डॉट सी, तो 2 इंटू ए डॉट सी, मोड ए इंटू मोड बी होगा 2 इंटू 3 इंटू, है ना, 2 इंटू ए डॉट सी, वैल्यू रख रहा हूं मैं, ए डॉट सी इज 2 इंटू 3 इंटू हाफ, तो आ जाएगा 6 प्लस। फिर अपन बी से शुरू करते हैं, बी डॉट ए, ए डॉट बी निकाल चुके हैं, ए डॉट बी क्या था, ए डॉट बी इज 2, तो 2 टाइम्स ए डॉट बी, सॉरी ए डॉट बी सिर्फ ए डॉट बी, सिर्फ ए डॉट बी यदि अपन करेंगे तो मोड ए मोड बी 1 आ जाएगा, वो बोलो, है ना, मोड ए मोड बी इंटू कोस ऑफ 60 डिग्री, तो 2 इंटू हाफ 1, 2 इंटू बी डॉट बी मतलब बी का स्क्वायर, तो वो जाएगा अपने पास 2 प्लस बी डॉट 2 सी, तो 2 इंटू बी डॉट सी, बी डॉट सी, बी डॉट सी मतलब 1 इंटू 3, 2 बी डॉट सी हो जाएगा अपने पास कोस ऑफ 60 डिग्री, दैट इज हाफ, तो आंसर क्या आ गया 3। कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लेना, सो दैट्स द वे, ए प्लस बी का मोड का स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, तो ए स्क्वायर इज 4 प्लस बी स्क्वायर इज 1 प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, तो 2 टाइम्स ए डॉट बी, 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू हाफ, हाफ क्या है ए डॉट बी, 2 ए डॉट बी में कोस थीटा इज हाफ, तो ये आ जाएगा इसका मोड, और इसका मोड क्या आएगा, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस मोड सी स्क्वायर, ये तो आएगा ही, तो मोड ए स्क्वायर कितना होगा, मोड ए स्क्वायर इसका मोड अलग से निकाल लेता हूं मैं, मोड ऑफ ए प्लस 2b प्लस 2c निकाल लेते हैं, तो मोड ए का स्क्वायर विच इज 4 प्लस 2b का स्क्वायर, तो 4 ऑफ मोड ऑफ बी इज 1 प्लस 2c मोड ऑफ 2c, तो हो जाएगा 4 इंटू मोड ऑफ सी हो जाएगा 9 प्लस, ठीक है ना, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपने को। अब 2 इंटू ए डॉट बी मतलब 4 इंटू ए डॉट बी, ए डॉट बी है 1, तो आंसर विल बी 4 प्लस 2 इंटू ए डॉट सी, तो 4 इंटू ए डॉट सी, तो 4 इंटू ए डॉट सी, ए डॉट सी अपने पास क्या है, ए डॉट सी इज 3, तो 4 इंटू 3 12 प्लस 2 इंटू 2b डॉट 2c, तो हो जाएगा अपने पास 8 इंटू बी डॉट सी, बी डॉट सी क्या है अपने पास, देखो बी डॉट सी इज 1 इंटू मतलब बी डॉट सी हो जाएगा 3/2, 8 इंटू 3/2 12 तो ये आ जाएगा अपने पास इसका अंडर रूट, ठीक है, तो देख लो क्या आ रहा है, 8 36, तो जाएगा 54 कैलकुलेशन है थोड़ी सी,
82 आ रहा है क्या, अंडर रूट ऑफ 82। तो ये क्या आ रहा है अपने पास, 18 अपॉन अंडर रूट ऑफ, 18 अपॉन अंडर रूट ऑफ रूट 7 रूट ऑफ 82। ये आ रहा है कोस ऑफ थीटा, तो थीटा विल बी व्हाट, थीटा विल बी कोस इनवर्स ऑफ 18 अपॉन रूट 7 रूट 82। कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लेना, मेथड अपने को पता है कि मोड कैसे निकालेंगे, है ना, यही मेथड लगाया है मैंने। और मोड ऑफ ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, सेम यही प्रोसेस है। ए डॉट बी निकालने का तरीका, इंडिविजुअल अपन ने जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, ए डॉट ए, ए टाइम्स टू बी, ए डॉट टू बी, ए डॉट टू सी, फिर बी डॉट ए, बी डॉट टू बी, बी डॉट टू सी, वैसे अपन ने सॉल्व किया है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इस तरीके से कोई भी दो वेक्टर दिए हुए हो, यदि एंगल पता है इंडिविजुअल के बीच में अपने को, तो इसका अपन मोड निकाल सकते हैं, और उससे रिलेटेड उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में कोई भी वेक्टर लिखा हुआ हो उनके बीच में भी एंगल अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। इस बात का अपन आगे यूज करेंगे, पैरेलल पॉइंट की बॉडी, बॉडी डायगोनल के बीच में एंगल निकालेंगे, एजेस के बीच में एंगल निकालेंगे, वहां पे इन सब का अपन यूज करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो, इफ ए बी सी आर सच दैट, सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, मोड ऑफ ए इज इक्वल टू 2, मोड ऑफ बी इज इक्वल टू 3 एंड मोड ऑफ सी इज इक्वल टू 4, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, है ना, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में अपने को क्या निकालना बच्चों, एंगल, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन अपने को दी हुई है, और जो सी दिया हुआ इसका ये इंफॉर्मेशन है, मोड ऑफ सी दिया हुआ 4। तो मोड ऑफ सी का यूज करके अपने को क्या निकालना है, ए और बी के बीच में एंगल। तो अपन क्या बोलते हैं, पहले इस इक्वेशन को उठाते हैं, ये इक्वेशन क्या बोल रहा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, ठीक है। यदि मोड ए इक्वल टू बी है तो यहां से अपन बोल सकते हैं क्या, मोड ए इक्वल टू मोड बी होगा, बिल्कुल सही बात है, पर रिवर्स नहीं बोल सकते, है ना, रिवर्स इज नॉट ट्रू, राइट, ये तो बोल सकते हैं अपन। तो दोनों का मोड क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों वेक्टर ही यदि बराबर है तो मोड भी सेम होगा, उनका डायरेक्शन भी सेम होगा। तो मोड बराबर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, 2 टाइम्स ए बी, ए डॉट बी, और ये क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर, मतलब सी डॉट सी विच इज सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज 4 प्लस बी स्क्वायर इज 9 प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी। तो इसको अपन लिख सकते हैं, ए और बी के बीच में एंगल निकालना है तो 2 ए बी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज 16। यहां से निकालेंगे थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, कोस थीटा इक्वल टू 1/4, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास कोस इनवर्स 1/4, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं अपन, इफ मोड ए इज इक्वल टू 3, मोड बी इज इक्वल टू 5 एंड मोड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, लेट्स से 6, है ना, ये दिया हुआ है, देन फाइंड मोड ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, सिंपल सी प्रॉब्लम है अपने पास। तो अपन क्या बोलते हैं यहां पे, मोड ऑफ ए माइनस बी दिया हुआ है, वहां से क्या निकाल सकते हैं अपन, ए डॉट बी, है ना, और उस ए डॉट बी को उठा के क्या रख सकते हैं, ए प्लस बी के मोड में रख सकते हैं, बोलो। तो वही अपन काम कर रहे हैं, ए माइनस बी का मोड का स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ इज इक्वल टू 36, इसका स्क्वायर किया तो इसका आंसर क्या आएगा, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर, है ना, ये क्या होगा, ए माइनस बी
मॉड ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, ये होगा। इसको सिंप्लीफाई यदि अपन करेंगे तो क्या मिलने वाला है, ए डॉट ए, ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी माइनस ऑफ ए डॉट बी माइनस ऑफ ए डॉट बी, तो हो जाएगा माइनस ऑफ टू टाइम्स ए डॉट बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज 9 + 25 माइनस टू टाइम्स ए डॉट बी, जो कि नहीं पता अपने को, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो इज इक्वल टू अपने पास 36 गिवन है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस टू टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, इज इक्वल टू टू, ये मिल गया, बोलो है ना। तो माइनस टू टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है अपने पास, टू आ रहा है, बोलो 11 - 9 = 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास, अपने को क्या चाहिए था यहां पे, टू टाइम्स ए डॉट बी निकाल लेते हैं अपन, टू टाइम्स ए डॉट बी आएगा माइनस ऑफ टू। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि मोड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर यदि निकाले तो वो आएगा ए स्क्वायर, या मोड ऑफ ए प्लस बी डायरेक्टली अपन लिखना चाहें तो वो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए डॉट बी। तो ए स्क्वायर अपने पास है 9 + 25 है ना, प्लस टू टाइम्स ए डॉट बी विच इज माइनस ऑफ टू। तो आंसर क्या आ रहा है, देखो 25 and 7 आ जाएगा अपने पास 32, अंडर रूट ऑफ 32 इज नथिंग बट 4√2। तो ये आ गया मोड ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स हैं इसमें, काफी सिंपल प्रॉब्लम होती है बेस्ड ऑन मोड, और ये प्रॉब्लम्स काफी देखने को मिलती है अपने को, इनका यूज बहुत है ना। आगे अपन देखेंगे कि पैरेललोग्राम, टेट्राहेड्रन, कोई भी ज्योमेट्री है उनमें किसी भी साइड का मोड निकालना है, दो के बीच पे एंगल निकालना है, सब जगह इस डॉट प्रोडक्ट का इस तरीके से अपन यूज करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका एंगल वाला पार्ट है ना, एंगल कैसे निकाला जाता है, कोई भी दो रेंडम वेक्टर है स्पेस में उनके बीच में यदि अपने को एंगल निकालना है तो अपन तुरंत एंगल निकाल लेंगे, वो काफी यूजफुल है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए बी सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, है ना, ए बी सी क्या है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, देन फाइंड मोड ऑफ ए प्लस 3b प्लस ये ए प्लस 2b प्लस 2c, ये निकालना है अपने को। ठीक है, इफ ए बी सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स देन फाइंड दिस। तो काफी सिंपल प्रॉब्लम है ये, आपस में एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, तो अपन ने बोला कि मोड ऑफ ए प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस 2b प्लस 2c डॉट ए प्लस 2b प्लस 2c, राइट। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अपने को पता है कि ए डॉट ए होने वाला है, तो ए डॉट ए होने वाला है तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2.2, 2b.2d मतलब 4b स्क्वायर आने वाला है, फिर 4c स्क्वायर आने वाला है, प्लस 2 टाइम्स a डॉट b, तो 2 × a डॉट b प्लस b.c, तो 4 × b.c प्लस 2 × a डॉट c, है ना।
टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, वही सिमिलर रिलेट कर सकते हो दोनों फॉर्मूले को, है ना, वैसा ही कुछ है ये। अब यहां पे अपन जानते हैं कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स है, तो ए डॉट बी क्या होगा बच्चों, जीरो होगा, बी डॉट सी भी क्या होगा जीरो होगा, और ए डॉट सी भी क्या होगा जीरो होगा, है ना, आई डॉट जे, जे डॉट के, के डॉट आई, देखा हुआ भाई। तो ये क्या रहा देखो, ए स्क्वायर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, इसको यहां पे लिख दो यूनिट वेक्टर्स, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, नहीं तो इनकी टर्म्स में ही आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो अपने पास मोड क्या आ गया, मोड ऑफ ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी इज इक्वल टू आ जाएगा एक तरीके से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस फोर सी स्क्वायर, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स देन दिस विल बी वन प्लस फोर प्लस फोर विच इज रूट ऑफ नाइन विच इज थ्री, क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं, काफी आसान है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, मैक्सिमम मिनिमम है बेस्ट, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, इसकी क्या निकालनी है अपने को बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे किसी ने बोला नहीं कि इसको वेक्टर से करना है, तो तुमने जब सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा होगा तब एक इनइक्वालिटी पढ़ी होगी, कोची इनइक्वालिटी, है ना, वो कोची इनइक्वालिटी है ये, कोची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी, है ना, वहां पे अपन ने अच्छे से नहीं पढ़ी होगी, तो वही इनइक्वालिटी है ये बेसिकली, उसका प्रूफ भी अपन ने किया होगा किससे, वेक्टर से, है ना, वहां पर भी। तो इसको अपन कैसे करते हैं, देखो एक वेक्टर मान लेता हूं मैं, ए वेक्टर विच इज ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के के, दूसरा वेक्टर मान लिया मैंने बी वेक्टर विच इज एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के, वी नो दैट ए डॉट बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है ना, कोस थीटा यदि वन हुआ तब, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। ए डॉट बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोड ए मोड बी, तो मैक्सिमम वैल्यू मोड ए क्या होगा, मोड ए इज वन, मोड बी इज नाइन, नाइन मोड बी नहीं है, इसका अंडर रूट होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट विल बी थ्री, सो लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, थ्री। कोई पूछेगा कि सर ये एग्जिस्ट कब करेगा, तो एग्जिस्ट कब करेगा, व्हेन ए ए ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और अपन बोलेंगे कि ए बाई एक्स, पैरेलल होने का मतलब क्या है कि ये कोफिशियंट का रेशियो क्या हो, सेम हो, ए बाई एक्स इज इक्वल टू बी बाई वाई इज इक्वल टू सी बाई जेड, कब एग्जिस्ट करेंगे, ए बाई एक्स इज इक्वल टू बी बाई वाई इज इक्वल टू सी बाई जेड, इस पॉसिबिलिटी को अपन को चेक करना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू अचीव करने के लिए, ठीक है, समझ आ रही बात। जब ये वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल होगा सेम डायरेक्शन में, तब ये क्या करेंगे, अपना मैक्सिमम अचीव करेंगे, राइट, ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट अपन ने पढ़ लिया है, तो नेक्स्ट उसका यूज अपन कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, है ना, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि एक वेक्टर बी है, मान लो अपन ने एक वेक्टर ए का इसके ऊपर डॉट प्रोडक्ट लिया, तो डॉट प्रोडक्ट लेने का मतलब
मान लो अपन बी कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, है ना, ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, ए बी कोस थीटा, बी को इधर ले आए अपन, ए डॉट बी अपॉन बी, इसको अपन लिख सकते हैं ए डॉट बी कैप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, के इंटू बी से मल्टीप्लाई करने से, तो ये बी अपॉन क्या आएगा, बी इज इक्वल टू ए कोस थीटा, और इसको अपन लिख सकते हैं ए डॉट बी कैप यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, ए कोस थीटा। तो ए डॉट बी कैप का मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी कैप है ए का प्रोजेक्शन ऑन बी, सो प्रोजेक्शन ऑफ ए, तो डॉट प्रोडक्ट इज नथिंग बट एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, यदि उसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है तो उसका उस पर क्या निकल आएगा, प्रोजेक्शन निकल आएगा, ठीक है, ये भी हम बोल रहे हैं यहां पे, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कैप या बी वेक्टर पे इसका प्रोजेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं अपन, बी वेक्टर पे इसका प्रोजेक्शन डिफाइन करते हैं अपन ए वेक्टर डॉट बी कैप। प्रोजेक्शन एक स्केलर क्वांटिटी है, प्रोजेक्शन किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन एक स्केलर क्वांटिटी है प्रोजेक्शन, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ बी, ठीक है, विच इज ए कॉस थीटा, ठीक है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर की, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी, है ना, उसका कंपोनेंट क्या आया इसके ऊपर, कंपोनेंट बी के ऊपर क्या आ रहा है, कंपोनेंट ये वाला आ रहा है बी के ऊपर, बोलो, तो इस कंपोनेंट मतलब एज ए वेक्टर, इसको मान लो वेक्टोरियली अपन रिप्रेजेंट करें तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, अपन वेक्टोरियली अपन क्या बोलेंगे, इसका मैग्नीट्यूड इंटू बी कैप, और इसका मैग्नीट्यूड अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं क्या, ए कोस थीटा, ठीक है, या अपन बोलते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं क्या, ए डॉट बी कैप, तो मैग्नीट्यूड हुआ उसका इस वेक्टर का, प्रोजेक्शन वेक्टर का, है ना, कंपोनेंट किसके अलोंग है, बी के अलोंग है, बी कैप, सो दिस इज प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी, ठीक है, प्रोजेक्शन वेक्टर, इसको सिंप्लीफाई करके अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ बी इनटू, ये तो पूरा स्केलर क्वांटिटी है, और बी कैप को भी अपन ने लिख दिया बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ बी, तो सिंपली वी कैन राइट व्हाट, ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ बी का स्क्वायर किसके अलोंग, बी वेक्टर के अलोंग, तो जैसे भी वैसे सिंपली ये याद रखो, ये ध्यान रखनी चाहिए, याद रखने का इसमें है कुछ नहीं है सच, याद ही रहता है अपने को, ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं ये सब चीजें, है ना, फिजिक्स में ये कंपोनेंट निकालना सबको आता है अपन को। दूसरा अपन बोलते हैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट टू बी ऑफ वेक्टर ए, है ना, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ठीक है ना, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, बी के परपेंडिकुलर उसका कंपोनेंट क्या होगा, मतलब इस कंपोनेंट की बात करते हैं, इस कंपोनेंट को निकालने का क्या तरीका है, कैसे निकालेंगे, एक बार सोचो इस कंपोनेंट को अपन कैसे निकालेंगे, कोई बोलेगा सर ए साइन थीटा कर देते हैं, सही बात है, ए साइन थीटा कर देंगे, पर इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बी के परपेंडिकुलर, बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन इसी प्लेन में कैसे निकालेंगे, अपने को बी के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर निकालना है, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे जेई में क्वेश्चन आए हुए दो, सिंपल सी चीज है ये, बट इस पे सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसी फॉर्म में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, बच्चा बोलेगा सर ए क्रॉस बी कर लेते हैं, क्रॉस तो अभी तक पढ़ाया नहीं, और ए क्रॉस बी करेंगे तो वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर दोनों क्या आएगा, ये वाला वेक्टर नहीं आएगा वो, ठीक है ना, ये भी बात अपने को समझ में आ रही है, तो ए साइन थीटा करने से सही है, ए साइन थीटा इसका
क्या होगा? वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन, डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे? तो अपन ने क्या बोला, डायरेक्शन निकालने का सिंपल सा प्रॉब्लम है। अपने को ये वेक्टर पता है, ये वेक्टर पता है, इसकी तीसरा वेक्टर ही तो नहीं पता ट्राइंगल का। तो इस ट्राइंगल का तीसरा वेक्टर अपन निकाल सकते हैं क्या? अपन ने बोला कि यहां से यहां तक डायरेक्ट पहुंचो, तो ए का पैरेलल वेक्टर, पैरेलल कंपोनेंट प्लस ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू व्हाट? ए बराबर आना चाहिए, बोलो। तो यहां से अपन ने क्या बोला, ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ गया? ए माइनस ए का पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर क्या है? ए डॉट बी कैप अलोंग बी कैप। सो दिस इज द आंसर। समझ में आई क्या बात? बोलो, क्लियर है पॉइंट? और इसका डायरेक्ट यूज होता है, और फॉर्म कौन सी दी हुई होती है ये भी बता देता हूं। फॉर्म हमेशा ये मिलती है अपने को, ए माइनस ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ बी का स्क्वायर अलोंग बी। और इसको देख के अपने को जज करना होता है कि यार ये तो बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, ये वेक्टर डायरेक्टली अपने को मान लो दे दिया, तो ये वेक्टर क्या है? बी के परपेंडिकुलर है ना, ये वेक्टर क्या होगा? बी के परपेंडिकुलर। और भी तरीका है इसका निकालने का, और तरीका क्या है? इस वेक्टर को अपन ने मान लिया, लेट दिस वेक्टर बी ए प्लस लेमडा बी, इन दोनों के प्लेन में ही है ये वेक्टर। तो इस वेक्टर को अपन ने मान लिया क्या है ना, ए प्लस लेमडा बी या लेमडा ए प्लस म्यू बी, कोई भी। फिर जो जो कंडीशन दी हुई है ना, उस कंडीशन को अप्लाई कर दो। ये बी के परपेंडिकुलर है पहली बात, और इसका मोड क्या होगा? ए साइन थीटा होगा। उन दोनों को यूज करके भी अपन ये निकाल सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड। लेट्स से वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए इज 2 -3 6। 2 -3 6 का मतलब क्या है? 2 i cap -3 j cap 6 k cap। दूसरा वेक्टर है अपने पास 2 5 -14, ठीक है? ये दो वेक्टर दिए हुए। द रेशियो ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए, अपने को क्या निकालना है? फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, सेकेंड फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, थर्ड फाइंड देयर रेशियो, ठीक है? तो ए का पहले बी पे प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं, ए का बी पे प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं। वेक्टर ए दिया हुआ है तुम्हारे को, वेक्टर बी दिया हुआ है तुम्हारे को, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे ए का बी पे प्रोजेक्शन? ए डॉट बी कैप, ये होगा ए का बी पे प्रोजेक्शन, ए डॉट बी कैप। ए वेक्टर अपने पास है, इसको अपन ने लिख दिया ए डॉट बी। सिर्फ प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं निकालना है, ठीक है? तो ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ बी, ए डॉट बी किया तो क्या आएगा आंसर? 4 -15 -84 अपॉन मोड ऑफ बी, कितना आ जाएगा यहां पे? मोड ऑफ बी इज अंडर रूट ऑफ 225 विच इज 15, ठीक है? तो ये आंसर आ गया इसका, फर्स्ट का। सेकंड का, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी, अब इसमें क्या है? बी का ए पे प्रोजेक्शन, तो बी का ए पर प्रोजेक्शन, ये मान लो बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो बी का ए पे प्रोजेक्शन क्या होगा? बी डॉट ए कैप, है ना, बी कोस थीटा होगा, मोड ऑफ बी कोस थीटा। तो ये क्या जाएगा? बी डॉट ए कैप,
तो ए डॉट बी तो आएगा ही उसमें है, ए डॉट बी के साथ साथ नीचे क्या आएगा इसमें, ए कैप का मतलब मोड ऑफ ए आने वाला है, तो 4 माइनस 15 माइनस 84 तो आएगा ही, इसका मोड क्या होगा 36 प्लस 9 प्लस 4 तो हो जाएगा 49, रूट ऑफ 49 7। तो यहाँ पे अपन ने बोला कि अपने को निकालना है रेशियो उन दोनों का, तो ए डॉट बी कैप अपॉन बी डॉट ए कैप अपने पास क्या आ जाएगा देखो 7/15। तो इस तरीके से ए का बी पे प्रोजेक्शन अलग है और बी का ए पे प्रोजेक्शन क्या है डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, नेक्स्ट अपने पास इफ वेक्टर पी इज इक्वल टू लेट्स से 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप एंड वेक्टर q इज इक्वल टू 3i कैप प्लस k कैप, ठीक है, ये दिया हुआ आपने को। फाइंड फर्स्ट प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ p ऑन q, क्यू पी एलोंग क्यू ये भी बोल सकते हैं अपन या ओन क्यू। सेकेंड फाइंड कॉम्पोनेंट ऑफ पी या वेक्टर कॉम्पोनेंट या कॉम्पोनेंट वेक्टर ऑफ पी परपेंडिकुलर टू क्यू, ठीक है, ये दोनों बातें निकालनी है। तो अपन ने क्या बोला, कोई p वेक्टर है अपने पास, उसका q के अलोंग पहले तो क्या निकालना है अपने को प्रोजेक्शन वेक्टर, तो वो क्या होगा बच्चों p डॉट q कैप अलोंग q कैप, ये आ जाएगा, सही है बात। तो p डॉट q कैप है ना p का q के अलोंग कंपोनेंट, p डॉट q कैप, p डॉट q कैप किया तो अपने अपने पास आ जाएगा 15 प्लस 5 20 अपॉन अंडर रूट ऑफ q कैप तो हो जाएगा रूट ऑफ 10 मोड ऑफ है ना, ये अपन ने क्या लिखा देखो, ये अपन ने लिखा है p डॉट q अपॉन q कैप को अपन ने लिख दिया मोड ऑफ q और इस q कैप को फिर से अपन ने लिख दिया q वेक्टर अपॉन मोड ऑफ q, तो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव पी डॉट क्यू अपन ने निकाला अभी दैट इज 20 अपॉन मोड ऑफ क्यू इज रूट ऑफ 10 इंटू क्यू वैक्टर क्या है, क्यू वैक्टर इज 3i कैप प्लस k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 10, तो फाइनली अवर आंसर इज ये क्या आ जाएगा 6i कैप प्लस 2 k कैप, ये आया कॉम्पोनेंट ऑफ p, कॉम्पोनेंट वैक्टर ऑफ p अलोंग q। अब अपन को निकालना है ये वाला वेक्टर उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है, तो अपन ने बोला कि ये वेक्टर अपने को पता है क्या है ना पैरेलल वेक्टर प्लस परपेंडिकुलर वेक्टर है ना पैरेलल वेक्टर प्लस परपेंडिकुलर वेक्टर, तो क्या सम होके क्या आना चाहिए p आना चाहिए, यहां से यहां ही गए यहां जा रहे हो तुम यहां से डायरेक्टली पहुंच जाओ आना चाहिए p वेक्टर, तो यहां से अपन ने परपेंडिकुलर वेक्टर के बारे में क्या बोल दिया p वेक्टर इज 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप माइनस पैरेलल वेक्टर अपन निकाल चुके 6i कैप प्लस 2j कैप 2k कैप, तो आंसर क्या आ रहा है देखो फाइनली परपेंडिकुलर वेक्टर क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया 5 माइनस 6 माइनस i कैप माइनस 2 जे कैप 0 के कैप 0 जे कैप, तो माइनस 2 जे कैप 5 के कैप माइनस 2 के कैप हो जाएगा 3 के कैप, दिस इज आंसर, क्लियर है पॉइंट। तो ये अपन ने आज की क्लास में डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन किया है, तो
इट वॉज वेरी सिंपल, फिर भी काफी यूजफुल है ना, बहुत यूजफुल है। आगे डॉट प्रोडक्ट काफी यूज करते हैं, वन डॉट प्रोडक्ट पे बेस जेई में क्वेश्चंस भी ठीक ठाक अच्छे खासे आते हैं, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट का यूज करना अपने को आना चाहिए, तो नेक्स्ट क्लास में अपन डॉट प्रोडक्ट को यूज कैसे करेंगे, है ना, ये अपन समझेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।